हाँ लो पकड़ लेता तो थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे हो जाओ ना, सुनिए आप लोग पीछे थोड़ा पीछे सर, क्या कहें बताइए। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को नियमानुसार घर भेज दिया गया है, उनको कल सुबह वापस बुलाया गया, इंट्रोगेशन कल कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो कल जो व्यक्ति पकड़े पूछताछ के लिए लाए गए थे, जिनसे तीन तरह के ड्रग और काफ़ी मात्रा में करेंसी बरामद हुई थी, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 7:30 बजे कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। अभी उनको कोविड टेस्ट के लिए भेजा गया है, आने के बाद उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके हम उनका कस्टडी रिमांड मांगेंगे माननीय न्यायालय से। तो आज के लिए मैं दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। रिया ने सर आज पूछताछ में क्या बड़ी बातें कही सर? वो तो न्यायालय से ही बताया जा सकता है सर, लेकिन ये भी खबर आज रिया पूछताछ के दरमियान आज रिया रो पड़ी वापस सर। नो कमेंट्स, नो क्वेश्चंस ऑफ एनी पर्सनल नेचर। हम लोग प्रोफेशनल एजेंसी है, काम कर रहे हैं, जो हमारे पास सूचना है उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और यही प्रोसेस चल रहा है। और जब एंड बियॉन्ड दैट आई हैव नथिंग टू से। सर दो दिन हो गए पूछताछ हुई तो अभी तक, क्या कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा? देखिए बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन होता है, डिटेल में जाना पड़ता है, इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। सर रिया आज एक बैग लेकर आई थी रिया, और जब निकली तो उनके हाथ में बैग नहीं था सर, क्या डॉक्यूमेंट? इस संबंध में मुझे कोई न तो रिया ने कुछ बताया न मुझे कोई जानकारी है, मैं सवाल का जवाब आपके नहीं। सर रिमांड के सर 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 जो है, क्या अब तक के ड्रग चेक की जो भी पूछताछ हुई है या जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग लेने या मंगवाने के मामले में कुछ पूछताछ निकल कर आया? देखिए इन सवालों का हम, इनका जो भी खुलासा होगा हम न्यायालय के समक्ष करेंगे, तब तक मैं मतलब बाध्य हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता। जो मिस्टर केशवानी जो कल जो जिनके यहाँ से काफ़ी मात्रा में ड्रग बरामद हुआ था, उनको आज पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया, उनके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उनसे मिला था हशीश, मिला था LSD मिला था और मैरिजुआना मिला था। क्या रिया को कल वापस समन किया गया? जी जी किया गया। कितने बजे? जैसे आज आए थे। कोरोना पॉजिटिव है, अभी उसके सतीश माने सिंह ने एक जानकारी दी है कि एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। मेरे तीनों जो मेरी टीम पूरी खड़ी आपके सामने, मुझे नहीं लगता किसी को इस बात की कोई जानकारी है, और जैसे यदि कोई होगा तो हम जो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लेट डाउन प्रोटोकॉल है उसका हम पूर्णतया पालन करेंगे। नहीं अभी कोई ऐसी सूचना मेरे पास सर, नहीं। एनसीबी आने वाले समय में मैं आपके इनके सवाल का एक जवाब, आप जो शायद जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हमने गोवा में एक अरेस्ट किया था, और वो उनका नाम फैजान था ना, फयाज, वो ड्रग के काम में लिप्त थे, वो पाए गए पॉजिटिव। आप सही कह रहे हैं लेकिन ये मुंबई का मैटर नहीं है, ये गोवा का मैटर है और हमारी वहाँ की टीम को क्वारंटाइन हमने कर दिया। सर जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, क्या आने वाले समय में ये समझे बॉलीवुड का एक बड़ा नाम इसमें सामने आने वाला है? नो स्पेकुलेशन प्लीज, थैंक यू सर। सर 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 थैंक यू ओके। हाँ सर पटकन पटकन जाते आम्ही फॉलो केलं की नाही? पकड भाई किसका बाहर कर, बाहर करना, पकड़े बूम, हाँ बूम, जा रहे सब जा रहे।